तो लाइट पे डालेंगे सॉक्स। ने आसमान की खूबसूरती क्या है ना। अच्छा दिल्ली जा रहे हैं, सीधा सरकार के पास ही जा रहे हैं भाई। जो सुकून मिल रहा है ना नहाते वक्त अपने वीर में, शायद से एक दिक्कत हो गई है। सुबह हो गई, चलो पनवेल निकलना है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम भावानगर। भावानगर बाबानगर कुछ तो है ऐसे, हिमाचल का एक विलेज है। लैंडस्लाइड हुई थी जाते वक्त, अभी यही विलेज में रुके थे। अभी आते वक्त भी कल अंधेरा बहुत हो गया था तो यही विलेज में रुके हैं। ये था अपना रूम कुछ इस तरह, तीनों भी मस्त में नीचे सोए थे। और भैया ये भी एक रूम दिया था, ये अपने को गिफ्ट था क्या, एक पे एक फ्री। तो अभी ऐसा सीन है ना कि राइड शुरू कर रहे हैं, कुछ टारगेट नहीं रखेंगे, मस्त एंजॉय करेंगे राइड। बीच में खूबसूरत नजारे आने वाले अभी भी, क्योंकि पहाड़ों पे राइड चालू है अभी भी, बाकी सब बढ़िया है अभी भी। कम टू हिमाचल कभी भी। तो सीन ऐसे है ना कि मैंने सोचा है कि दो दिन का ना एक ब्लॉग बनाऊंगा वापसी जर्नी में, क्योंकि वापसी की जर्नी है और सेम चीज़ें मुझे आते वक्त की वापस नहीं दिखानी है, तो आप लोगों को कुछ मजा आना चाहिए। तो अगर जिधर मुझे लग रहा है कि एक दिन में बहुत सारा मजा आया तो वो एक दिन का ब्लॉग बनाऊंगा, अदरवाइज दो दिन मिला के एक ब्लॉग, ठीक है। और एक चीज़, फाइनली हम लोग नहा लिए है, इतने पानी से नहाए लेकिन नहा लिए है एकदम थोड़े, अभी थोड़े हम लोग अभी इंसान लग रहे हैं, ढंग के लग रहे हैं। 8:30 बजे पहली बार राइड पे रेडी है, मतलब बहुत बहुत बढ़िया है, क्योंकि ठंड भी अभी कम हो गई है। अभी टेम्परेचर ना प्लस में है, फिलहाल का टेम्परेचर 9 से 10 डिग्री रहेगा, माइनस वाला चलेगी। आगे नारकंडा में ना हम लोग को शायद से वापस थोड़ी ठंड मिल सकती है, बाकी अभी टेम्परेचर तो ऑल गुड है, तो राइड करने में भी थोड़ा इजी हो जाएगा। ठंडा चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं, मतलब भाई अपन ना बहुत अपने चोचले बहुत रहते हैं ना, बहुत ठंडा नहीं चाहिए, कभी भगवान ऐसे चिढ़ जाएंगे तो बात करके दे, ये ले रिमोट खुद से एडजस्ट कर ले, बोले खुद एडजस्ट कर दे रहे टेम्परेचर। तो ये था अपना होटल, वहां पे अपना रूम था, और वहां देखिए एकदम पूरी की पूरी फ्रेश स्नो गिरी है, एकदम ताजा, कल रात को गिरी है, पूरा समझ में आ रहा है क्योंकि इतनी वाइट है ना वो, कि समझ में आ रहा है कि फ्रेश स्नो है, बढ़िया है। तो भैया कल क्योंकि हम लोग को पुलिस वाले लोग ने रुका दिया था पूह में, और हम लोग को लाइट की वजह से फाइन लगा है, आज हम लोग जुगाड़ करेंगे, क्योंकि शिमला में आज सैटरडे है, पुलिस वाले लोग का चेकअप रहेगा, रुकाने की बहुत चांसेस है, तो लाइट पे डालेंगे सॉक्स। ठंडी नहीं लगेगी तेरे को आज। ऑल सेट गुड मॉर्निंग। राइड शुरू होने के बाद वापस एक बार प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, प्यारी प्यारी सुबह, ठंडी सुबह। तो जैसे जैसे पहाड़ उतर रहे हैं ना, थोड़ा बुरा भी लग रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाले हैं हम लोग ये वाले पहाड़ों को, बहुत ही खूबसूरत है। तो आज ही थोड़ी देर पहले हम लोग निकलने के पहले डिसाइड कर रहे थे कि अरे शायद से आज पहाड़ों की राइड, शायद से अगर सब कुछ सही रहा तो हम नीचे उतर जाएंगे प्रॉपर, मतलब नेशनल हाईवे ही है ये भी, लेकिन बड़े वाले नेशनल हाईवे पे उतर जाएंगे चंडीगढ़ की तरफ। तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को ऐसा ये फील हो रहा था कि ये ठंडी को, ये पहाड़ों को, हिमाचल के लोगों को, हिमाचल को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। राइड शुरू होते ही मात्र 10 मिनट में ऑफ रोडिंग करने को लग रहा है, क्या होता है सुबह सुबह बॉडी थोड़ी आलसी रहती है ना, थोड़ी वार्म अप हो जाए तो सही हो जाए। ये दोनों क्या एक दूसरे से बात कर रहे हैं क्या फ़ोन पे, कैसे हो, बढ़िया हो, जैन साहब। तो ये है अपना सामने द आइकॉनिक किन्नौर गेट। तो भैया यहाँ से किन्नौर ख़त्म और शिमला डिस्ट्रिक्ट शुरू हो गया है, तो अब हम एंटर कर चुके हैं शिमला में। तो प्यारे से किन्नौर गेट से एंट्री करने के बाद हम लोग की एंट्री हो गई अभी शिमला डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से मेन शिमला है ना, और कम से कम 160-170 किलोमीटर है,
बाकी अपने लाइट्स को तो ठंडी लग रही नहीं है क्योंकि अभी उनके ऊपर चढ़ गए अपने शूज के सॉक्स। भाई नहाना है क्या? भैया नहाना है क्या तुमको? नहाना है, नहाना है, पानी ही पानी है, नहा लेते हैं यहाँ पे। साबुन है मेरे पास, जो यहाँ पे अपन थे वहां से वो बर्फ पिघल के हरा रहेगा। कहाँ अभी देखूं कि मेरे बाल कैसे क्या है, अपने को ब्लॉक के वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है, लेकिन अभी ताकत नहीं है। तो सीन ऐसे है ना कि हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि रास्ता तो सही है लेकिन जो रास्ते से गए थे उतना ख़राब नहीं था। हालत देखिए मेरे जैकेट की क्या हो गई है, पूरी मिट्टी मिट्टी, पता ही नहीं चल रहा है। तो अभी रुके, चाय और कुछ नाश्ता कर लेंगे भाई। मात्रों और मात्रों बहुत ज़्यादा किलोमीटर कवर कर लिया, 20 किलोमीटर के बाद पहला ब्रेक, 200 किलोमीटर जैसी फील आ रही है मेरे को। बाकी पीछे नज़ारा बहुत बढ़िया है चाय के साथ। Cheers. तो अभी सीन ऐसे हुआ है ना कि अभिषेक का टॉप रैक पूरी राइड करने के बाद, खतरनाक ऑफ रोडिंग करने के बाद, पूरा काजा एक्सप्लोर करने के बाद वापस एक साइड का टूट गया है रैक। अभी उसको वापस कहीं ना कहीं वेल्डिंग करना पड़ेगा, लेकिन होता है फाइबर वाला टॉप बॉक्स है उसका रैक है ना बहुत पतला रहता है। और जो हम लोग रस्ते पे बाइक चला रहे थे ना, चितकुल में किया था, चितकुल से जब निकले थे उसके बाद काजा का पूरा इतना खतरनाक रोड सब कुछ, उतना तो होता है। चलो फिर पहले तो अभी वेल्डिंग करना पड़ेगा वापस अभिषेक का टॉप रैक बाइक का, उसके बाद ही आगे जा सकते हैं। क्योंकि पूरा अभी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अभी वो पूरा झुक गया है नीचे क्योंकि एक साइड से पूरा टूट ही गया है। राइड टू स्पीति का हम लोग का सबसे फेवरेट काम, रोज सुबह उठो अभिषेक के टॉप बॉक्स का रैक ठीक करो। अभी भैया कहाँ से टूटा है, अभी यहाँ से टूट गया, ये देखिए पूरा वेल्डिंग निकल गया भाई, लग गया भाई। तो इधर किधर दुकान क्यों नहीं खोल देता रैक रिपेयरिंग? खोलना है। तो अभिषेक का रैक का इलेक्ट्रिक फेल हो गया, अभी गैस वाला वेल्डिंग। भाई जयपुर में थे हम लोग, राइड शुरू हुई थी, मेरे को बोलता पर मेरा रैक तो ऐसा है ना, ऐसा टॉप कॉफी टूटेगा नहीं, कॉफी है जब देखो तब टूट रहा है। इलेक्ट्रिक का वेल्डिंग हो गया, अभी गैस का कर रहे भाई। जब से मैंने ऐसा बोला है ना, उसके बाद जो कांड हुआ है भाई। बाकी मैं एक्चुअली 70 किलो के बंदे बिठाता था इस पे, रोज कुछ नहीं, पूरी राइड चल हुई ना, अरे 70 किलो के बंदे बिठाता हूँ भाई, 70 किलो के भाई, 7 किलो का वेट नहीं ले पाया, 70 की नजर 7 किलो की नजर नहीं झेल पाया। ये सब कुछ कंटेंट के लिए चालू है। मेरे को तो लगता है कभी कभी भाई तू जबरदस्ती तोड़ रहा है इसको, कंटेंट के लिए कुछ भी कर रहा है। यहाँ पे अपने बाइक्स रेडी हो गई है, अभिषेक किया रैक फाइनली डन है अभी फिलहाल के लिए। और ये याद रखिए कृष्णा मोटर ज्यूरी में, क्योंकि कैसे है मालूम है, जो भी स्पीति राइड पे आ रहे हैं ना, सब जन हेवी लगेज के साथ आते हैं, किसी का भी रैक का प्रॉब्लम हो सकता है। ये स्पेसिफिकली है ना मोटर वाला डेंटिंग मेंटिंग वाला बंदा है, इसके पास गैस वाला वेल्डिंग वाला मशीन है। हम लोगों को कहीं पर भी और दिखा नहीं, ये पहले ही दिखा, कृष्णा मोटर्स ज्यूरी, याद रखिए राइडर्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी ऑल गुड है, राइड चालू करते हैं। अभी तक किलोमीटर हुए हैं 40, सुबह 9 बजे से निकले हुए, ऑल सेट है गाइस, ऑल सेट है। तुम लोग एक एक कार के चलोगे। तो वापसी में वापस हम लोग पहुंच गए रामपुर के मेले में। पिछले एक हफ्ते से ये चल रहा है मेला, आते वक्त भी थे हम लोग। और जो चीज आप बोलेंगे ना हिमाचल की, ये देखो ये सब बुखारी है, अभी तगड़े में ये सब बेचेंगे। और यहाँ पे एक खास चीज मिलती है, ड्राई फ्रूट्स तो हिमाचल के बहुत फेमस है, तो यहाँ पे है ना नेजवा या नेजवा ऐसे कुछ तो है, एक ड्राई फ्रूट है नेजवा, हाँ नेजवा, प्रोनाउंसिएशन में भी मेरा गलत हो गया रहेगा, अपने बादाम के जैसे रहता है। तो यहाँ के लोकल के हम लोग को बताया, भले अभी ये शिमला डिस्ट्रिक्ट है लेकिन किन्नौर के वो स्पेशल है, तो यहाँ पे बेचने के लिए आते हैं वो। तो एक्चुअली यहाँ पे उसका फार्मिंग होता है मेन, जो असली नेजवा है ना वो यहाँ पे मिलता है, और दूसरा है ना अफगानिस्तान में एकदम असली वाला मिलता है। तो वो अपना पाइनएप्पल रहता है ना वैसे थोड़ा दिखता है, उसके अंदर की जो सीड रहती है ना उसको पूरा प्रोसेस होने में और एक फ्रूट बनने में ना 2 साल लगते हैं।
दो साल के बाद वो एक फ्रूट बनता है, उसको फिर ड्राई करके जो ड्राई फ्रूट बनता है ना वो बहुत हेल्दी रहता है, हाई इन विटामिन रहता है। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन, चलो चलो फिर मिलेंगे। तो आते वक्त ना हम लोग यहाँ पे रुके थे 5 मिनट के लिए और यहाँ पे अंकल के पास केला वेला खाया था तो बैठे थे बाहर। तो यार ये रिश्ते बनते याद रखेंगे वो भी हम लोग को, बाहर बैठे थे तो सोचा 2 मिनट के लिए रुक के हाय हेलो करके निकल लेते। वो बोल रहे थे चाय वाय पियो, हम बोले कि नहीं नहीं आज निकलना है भैया, आज हमको पहाड़ से नीचे पहुँचना है। तो अभी पहुँचे हैं नारकंडा और नारकंडा है ना अपने आप में एक अलग ही टेम्परेचर लेके चलता है, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने राइड शुरू किया ना कहीं पे भी हम लोग को ऐसे ठंडा नहीं लगा, लेकिन नारकंडा का क्लाइमेट है ना टोटली अलग रहता है। रात को यहाँ पे माइनस में जाता है और यहाँ पे है ना तगड़े विंटर में पूरे, जब हम लोग सुबह से जहाँ से निकले हैं ना बाबा नगर जो भी है वहाँ से निकले, वहाँ से यहाँ तक सिर्फ नारकंडा में स्नोफॉल होता है क्योंकि सबसे ऊपर नारकंडा है, फिर वापस हम लोग नीचे जाएंगे शिमला की तरफ। तगड़ी भूख लगी है तो मैं और अभिषेक मस्त में चिकन खाएंगे और दर्शन भाई अपना वेजिटेरियन है तो वो खाएगा दाल मखनी खाएंगे। नारकंडा में पीछे का नज़ारा बहुत ही प्यारा है, ठंड बढ़ती जा रही है और यहाँ के लोग बोल रहे हैं ना कि और 3-4 दिन में ना यहाँ पे भाई स्नोफॉल चालू हो जाएगी, तो हम जल्दी है कि हम लेट है अच्छा है कि बुरा है अपने लिए क्या है, बाकी राइड पे है तो ठीक है, अगर स्नोफॉल नहीं है यार चलाने में दिक्कत नहीं होती है, बस अभी मस्त में खाना खा लेते। तो नारकंडा में 6 दिन बाद मंगाया गया है बटर चिकन, रोटी, दाल मखनी और ये है नजारा। जैसे लंच करके निकले हैं ना भाई, आप लोगों को है ना एक खूबसूरत सा नजारा दिखाना बनता है, अपने आसमान की खूबसूरती क्या है ना, इतना प्यारा लग रहा है। किलोमीटर कवर करके शिमला में आप सबका स्वागत है। तगड़ा ट्रैफिक है क्योंकि आज है सैटरडे, मेरे को लगता है अपन सैटरडे को ही एंट्री किए थे ना यहाँ से, सैटरडे एंट्री किए थे तभी भी ट्रैफिक मिला था, अभी है सैटरडे अभी भी ट्रैफिक मिलेगा। चल भाई थोड़ा साइड साइड से निकालते हैं संभाल के, ये राइट साइड वाली लाइन है ना ये सब शिमला में एंट्री करने के लिए है, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर पहले से चलती आई है यहाँ तक पहुँची है। तगड़ा ट्रैफिक है शिमला में, हम लोग को है ना अभी तक 45 मिनट हो गए शिमला के अंदर ही हम लोग है, तगड़ा ट्रैफिक है। तो राइट टू स्पीति में अपुन ने क्या क्या किया, इंडिया का लास्ट विलेज चितकुल। मेरे से पूछो राइट टू स्पीति में हमने वेल्डिंग करवाया, स्टैंड ठीक करवाया पंचर करवाया। नहीं बच्चे लोग ऐसा नहीं है, तुमको मैंने ये पढ़ाया था मैंने क्या पढ़ाया था राइट टू स्पीति में, अब तक क्या किया, चितकुल किया इंडिया का लास्ट विलेज, फिर किया अपन ने वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल कनेक्टेड टू विलेज, वो विलेज में जो कनेक्टेड मोटरेबल रोड है वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज, जहां पे हाईएस्ट एटीट्यूड वाला चीचम ब्रिज किया अपन ने, हाईएस्ट वर्ल्ड्स हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज, और अभी लास्ट में पहाड़ छोड़ने के पहले हिमाचल के आखिरी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा रहे, जयपुर मार लेते हैं चलो क्योंकि आगे अपने को पेट्रोल महंगा पड़ने वाला है, तू निकल ले तू जयपुर के लिए निकल ले। बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ हिमाचल से हमने एग्जिट ले लिया है, हिमाचल बॉर्डर क्रॉस कर लिया है राइट टू स्पीति करके, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आ गए भैया पूरे नीचे पहाड़ों के नीचे आ गए हैं, बुरा तो लग रहा है लेकिन बढ़िया भी लग रहा है क्योंकि यार पूरी सक्सेसफुल हो गई है हमारी पहाड़ों वाली राइड, अभी नीचे आ गए हैं, अभी जो रहेगा वो नीचे रहेगा, ये अपना अभी पूरा टाइम 4 लेन वाला हाईवे लेने वाला है। अभी बज रहे हैं रात के 12:45, कितने बज रहे हैं 12:45, और आउटस्कर्ट ऑफ चंडीगढ़ में हम लोग ने होटल में चेक इन कर लिया, आज काफ़ी लेट तक राइड किए
मतलब मुझे लग रहा है ना कि पूरे स्पीति राइड में आज की राइड काफी लेट तक थी, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि माउंटेन से नीचे उतरना है, उतर गए हैं। और ये है अपना रूम, डेटा ट्रांसफर चालू है, खाना खाना चालू है। The next day. अजी भाई, हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चंडीगढ़। भाई जो सुकून मिल रहा है ना नहाते वक्त, क्या ही बताऊं आपको, मतलब गर्म पानी वो भी शॉवर का, घिस घिस के नहाना चालू है। फटाफट मस्त में नहा के फ्रेश हो लेता हूँ, फिर आप लोगों को मिलता हूँ। आज बहुत प्यारी राइड रहने वाली। तो यहाँ पे अपना रेडबुल रेडी हो रहा है, दर्शन ऑल सेट है, जैकेट अभी पतला हो गया है क्योंकि अभी थोड़ी गर्मी है यहाँ पे चंडीगढ़ से। दर्शन पतला हो गया, दर्शन भी पतला हो गया है, अभी जाके जिम विम करेगा, जान वान बनाएगा, बाकी सब कुछ बढ़िया है। यहाँ पे देखेंगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी ऑलरेडी 9:30 बज गए, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था कि आज की राइड थोड़ी लेट चालू होगी, ऐसे रोज की राइड लेट चालू हो रही है ठंडी में, लेकिन यार नीचे हाईवे पे तो थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन कल रात को काफी लेट तक राइड कर रहे थे, इसके लिए आज थोड़ा लेट राइड शुरू होगा। टारगेट कुछ भी नहीं है, चलाते जाएंगे, जब थकेंगे तभी रुक जाएंगे, थम जाएंगे, बाकी ऑल सेट है। गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। आज के दिन के लिए ट्रिप वन को कर देते जीरो, क्योंकि आज भाई तगड़ा खींचना है। कल टोटल 282 किलोमीटर हुए थे, 250 नहीं। अच्छा चलो अब करना आराम से। सब जगह पे चढ़ जाता है। कौन सी बाइक की? KTM में। तो भैया आज है संडे, इसके लिए हम चंडीगढ़ से जल्दी रफा दफा हो गए, अदरवाइज यार काम चालू है यहाँ पे, ब्रिज व्रिज का ना, तो ये रास्ते पे काफी ज्यादा ट्रैफिक मिलता है, तो बढ़िया हो गया कि ट्रैफिक नहीं मिला हमको, लेकिन भूख लगी है हमको। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा आगे जाते हैं हाईवे पे लग के, फिर कुछ खा लेंगे। तो यहाँ पे आ गए अपने आलू प्याज का पराठा, और भैया अपने वीर में शायद से एक दिक्कत हो गई है, उसका शॉकअप है ना, उसका जो ऑयल है ना वो शायद से लीक हो रहा है। ये देखिए, अगर आप देखेंगे ना तो शायद से उसको ऑयल पूरा लीक हो रहा है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है ना कि बाइक पूरी उछल रही है पीछे से, पूरी ऊपर नीचे हो रही है। तो मैंने अभी KTM में, मुंबई जो अपना दोस्त है KTM में, उसको फ़ोन किया था, सिद्धेश को, उसने बोला कि राइड तो हो जाएगी मुंबई तक, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी अभी हाईवे है, लेकिन अगर किधर सर्विस स्टेशन मिल जाएगा तो एक बार दिखा लेना क्या दिक्कत है, अगर नया डालने का है तो नया डाल देना। आज तो संडे है तो बहुत मुश्किल है कहीं पर KTM ओपन रहना, कल देख लेंगे, लेकिन थोड़े तो कुछ तो मुझे इशू लग रहा है। ठीक है, अभी तो पहाड़ों से नीचे आ गए, बस स्पीति राइड करके आ रहे हैं, तो इतनी सारी चीजें तो बनती है। तो बाइक के सस्पेंशन का टेंशन बाद में लेते हैं, पहले एंजॉय करते हैं आलू प्याज का पराठा। भाई पंजाब में है तो आलू प्याज का पराठा बनता है। हाय बच्चे लोग, हाउ आर यू? लग गए हैं बढ़िया से रास्ते पे, सिर्फ ये देखना है कि अपने को कहीं पे भी एक्सप्रेसवे नहीं लेना है। पंजाब की खेती, हाँ 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 बढ़िया है। ये देखो, ये है नारनौल वाला एक्सप्रेसवे, इधर तो बाइक बना है, वहां पे लिखा है बोर्ड, और हमको गूगल मैप साहब है ना बार बार यही रूट पे ला रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। अभी कोई है भी नहीं इधर पूछने के लिए, उधर जाके पूछते हैं क्या किसी को, क्योंकि यार सीन हो जाएगा, पैसे नहीं है अपने को फाइन भरने के लिए। तो अभी ऐसा है कि हम लोग का खुद का दिमाग चला है, गूगल मैम साहब को अभी डिसाइड किया कि ज़्यादा पूछेंगे नहीं हम लोग फिलहाल के लिए, सही रास्ते पर लगने के लिए, क्योंकि हम लोग को लग रहा है कि नारनौल वाला जो रास्ता है ना वो भैया एक्सप्रेस वे ही है, आप कहाँ से भी आ रहे हो ना वो आपको एक्सप्रेस वे पे ही चढ़ा रहा है, तो हम लोग 25 किलोमीटर थोड़ा लॉन्ग कट लेके हिस्सर वाले रास्ते से ही जाएंगे। वो देखो वहाँ पे सारे फार्मर्स लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हरियाणा में चालू है स्ट्राइक, वो चाहेंगे अभी एक जगह पे डिसाइड किया रहेगा कि कहाँ पे मिलना है, कहाँ पे जमा होना है, कहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू करनी है। हाँ वही, अभी वो लोग जमा हो रहे हैं सब जन,
तब तक अपन निकल लेंगे, मुंबई पहुंच जाएंगे। क्या हुआ? रेस वेस नहीं यार, घूमने गए थे हम लोग। हाँ, भागती कितनी है? भागती तो अपने भगाने के ऊपर है। किसान धरना है, किसान धरना है। तो कहाँ जा रहे हो वो लोग? लेकिन जाएंगे अम्बाड़ा। अम्बाड़ा कहाँ पे? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली जा रहे हैं, सीधा सरकार के पास ही जा रहे हैं सीधा। तो ले लिया गया है एक चिप्स वाला ब्रेक। भाई एक चीज बताओ, ऐसा है कि अपन एक रास्ते से जा रहे हैं, दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, कि सेम ही रोड है? क्योंकि गूगल मैप सब तो मेरे को पागल कर दे रही है। अभी अभी अपन ने एक आइडिया किया, गूगल मैप सबको अपन एडा बनाएंगे, क्योंकि गूगल मैप सबको अभी भी बता रही है यूटर्न मारो, यूटर्न मारो। ठीक है, तो मतलब नॉर्मल वाला रोड बेसिकली अपना एक्सप्रेस वे वाला रोड है। तो याद रखिए राइडर्स लोग, नॉर्मल वाला रोड नहीं लेना है, जहाँ पर भी जाएंगे एक्सप्रेस वे मिलेगा। बाकी हिसार वाले रोड से जाएंगे, हिसार वाले रोड से फिर हिसार आना है पहले, फिर हिसार के बाद डालना है अम्बाला। अम्बाला 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 तो ये साइड रहेगा ना। अच्छा, आते वक्त बोल रहे थे, ये वाला मंदिर देखिए क्या प्यारा लग रहा है, और शंकर भगवान ऊपर वहां पे विराजमान है। बम्बम बोले ओम नमः शिवाय नमः। बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम पहुंच गए हैं हिसार। हिसार हिसार हिंदी में लिखा था, इसके लिए अभी मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर पाया। हिसार हिसार में पहुंच गए हम लोग, और यहां से एक रास्ता जाता है दिल्ली के लिए वापस, लेकिन हम जाएंगे सीधा। फिलहाल के लिए वीर को पूरी तरह खोल दिया गया है, और वीर 100 की रफ्तार से जयपुर की तरफ। क्या कर रहे हो ये? सुबह होगी क्या? सुबह हो गई, चलो पनवेल निकलना है। पनवेल वनवेल कुछ नहीं भाई, तगड़ी नहीं लगी, माहौल ही ऐसे है ना यार। धूप निकलेगी ना तो थोड़ा फ्रेश लगेगा, इतना धुंधला धुंधला है, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। ये देखो भाई, तगड़ी सब धुंधला धुंधला लागे भाई, तो ऐसे मक्खन के जैसे भाग रही है ना, लेकिन भाई नींद तगड़ी आ रही है। और हमारा पिलियन भी सो रहा था, हम भी सो रहे थे। 10 किलोमीटर तो दोनों ने सो के निकाले। और मैं तो आके खुली एक बंद इधर से सो रहा था, फिर इसकी नींद पूरी हो जाए तो इधर से सो रहा था। एक एक आग से टाइमिंग लगा के मैं लिटरली पहले 15 किलोमीटर ऐसे किया, फिर 15 किलोमीटर ऐसे। मुझसे क्या पूछ रहा था पता है? मैं ये कर क्या रहा हूँ? वो डर गया। मैंने 10 किलोमीटर उस दिन ऐसा हुआ कि हमको तो आदत है मेरे और पराग भाई को, हम आंखें बंद करके चलाते हैं। बाइक देखती रहती है, बाइक देखती है हमारी। ये लास्ट पेट्रोल पंप है क्या हरियाणा का? बहुत आगे। अच्छा, इसे है आगे और रेट। अच्छा, ये सस्ता है क्या? Boys and girls, ladies and gentlemen, ये है भिवानी पुलिस स्टेशन का, हरियाणा का चेक पोस्ट। आई थिंक यहाँ पे हरियाणा ख़त्म हो गया है, और आगे आएगा राजस्थान का चेक पोस्ट। तो फिलहाल का सीन ऐसे है भैया कि हम लोग हाईवे पे चल रहे थे, लेकिन ये जो रोड है ना, ये पिछले 2 घंटे से सिंगल रोड है। रात हो गई, अंधेरा हो गया है, रात के अभी 7:30 बज रहे हैं, तो चलाने में दिक्कत आ रही है। तो ये कोई तो होटल सनवे रिसोर्ट एंड फैमिली रेस्टोरेंट है। अभिषेक और दर्शन गए चेक करने के लिए रूम, अगर रूम प्यारा है ना तो हम लोग यहाँ पे रुकने वाले, रिस्क नहीं ले रहे, क्योंकि काफ़ी तकलीफ हो रही है। ट्रक्स वाले लोग तो ले दबा रहे ले, और वैसे भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 390 किलोमीटर्स कर लिए दिन के। ठीक है ना रूम? खाना बना है? खाना बना है? रिसोर्ट लिखा है तो स्विमिंग पूल है? मेरे को चाहिए आज, मेरे को स्विमिंग पूल में जाने का, पहले बोल रहा हूँ। हम वो चाहिए बबुआ। चलो भैया, 1500 का रूम मिला है 3 जन में। वैसा है सही है, चलो। नहाने की मतलब वो चाहत थी ना, वो आज पूरी हो गई। क्या हुआ भाई तेरे को? कुछ गाली दिया तुम लोग ने? टू डाल दूंगा मैं। ये करनाल वाले रोड से जाते हैं ना? करनाल नहीं है वो, नौर, नेरना, नौर, क्या?